सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू प्रिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। छुपा कर रखी खैनी खा गई जब पत्नी ने, तो जान देने को ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया गुस्साया पति। दोस्तों कहा जाता है कि खैनी वो चीज है जो अनजान लोगों को भी दोस्त बना देती है। इसकी तलब ऐसी होती है कि करोड़ों का आदमी भी वक्त पर दो पैसों की खैनी के लिए किसी के सामने भी हाथ फैला देता है। बनारस में इसके उलट एक पति पत्नी के बीच खैनी को लेकर विवाद हो गया है और झगड़ा इस कदर बढ़ा कि पति आत्महत्या करने तक के लिए बिजली के ट्रांसफार्मर पर जा चढ़ा। चलती लाइन के बीच तुरंत फोन कर किसी तरह से सप्लाई को रुकवाया गया और किसी तरह से पति को नीचे उतारा गया। इस झगड़े को लेकर चर्चा खूब हो रही है। बता दें कि लोहता थाने इलाके के पिलखनी गांव के बनवासी परिवार के युवक सुरती खाने का आदि है। लॉकडाउन के कारण कई दिनों तक दुकानें नहीं खुली तो उसे इस तलब का पता चला कि इसके ना मिलने पर क्या हल होता है। इसी बीच दुकानें खुली तो वो खैनी का इंतजाम कर लिया और उसे छुपा कर रख दिया। उसकी पत्नी भी खैनी खाती थी, उसने देखा तो वो भी उसी में से खा गई। इसे लेकर युवक झगड़ा करने लगा कि बड़ी मुश्किल से महंगी कीमत में मिली खैनी खाकर वह खत्म क्यों कर रही है। दोनों में जमकर लड़ाई हुई और इससे नाराज युवक गांव में लगे ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया। जब वह ट्रांसफार्मर पर चढ़ा तो विद्युत आपूर्ति हो रही थी। सूचना पाकर लाइन मैन मौके पर जा पहुंचा और बिजली की सप्लाई बंद कराकर लोहता थाने को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचा पुलिस ने उसे नीचे उतारने का काम किया। हैरानी की बात यह रही कि वह नीचे उतरते ही पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।